हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप क्रेडिट बी से लोन लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा या क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाकर क्रेडिट बी को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन करेंगे, लैंग्वेज है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए आपका इसमें लॉगिन साइन अप विद मोबाइल नंबर डाला हमने, कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे। उसके बाद आपका ये देखिए यहाँ पर टिक करेंगे, आई एग्री करेंगे, अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग एप्लीकेशन, मैसेज सेंड करने के लिए इसको अलाउ करेंगे, ऐसा आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सबसे पहले आपको इसमें KYC डॉक्यूमेंट, जो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड, इसमें आपको देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ, सेल्फी, ये आपका जो है सबमिट करना पड़ेगा एड्रेस प्रूफ में। ये आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें है, ये देखिए आधार KYC अपलोड पासपोर्ट, इसमें आप आधार भी अपना कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लोकेशन आपका ऑन करना पड़ेगा आपको, अपना आधार नंबर डालेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, मार्क कर देंगे इसको, सबमिट करेंगे। OTP आएगा, जो आपने आधार कार्ड में अपने नंबर लगा रखा होगा उस पर OTP आएगा। एड्रेस प्रूफ आपका ये देखिए यहाँ पर टिक आ गया, यानी कि आधार कंप्लीट हो गया। अब सेल्फी कैप्चर करेंगे, आपका एड्रेस प्रूफ आधार कंप्लीटेड, सेल्फी कंप्लीटेड, अब इसको सबमिट करेंगे। सबमिट हो रहा है, सबमिट होने के बाद जनरल इन्फॉर्मेशन जो आपको, इस पर क्लिक करेंगे, अपनी जो भी Gmail ID होगी वो डालेंगे। इसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप डालेंगे, इसमें सिंगल है सिंगल पे क्लिक करेंगे, मैरिड है मैरिड पे क्लिक करेंगे, डिवोर्स है डिवोर्स पे क्लिक करेंगे। एजुकेशन आपकी क्या है हाईएस्ट वो डालेंगे आप इसमें, बैचलर हैं, मास्टर्स हैं, या फिर 12th हैं, ठीक है, या 10th हैं, क्या हैं वो करेंगे, उस पर सिलेक्ट कर देंगे। आपका प्रोफेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एक्टर हैं, बैंक एम्प्लॉई हैं, आर्किटेक्ट हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, BPO है, बिजनेस है, जो भी हो आप इसमें डालेंगे। उसके बाद आपका रेजिडेंस किस टाइप का है, आप रेंट पर रहते हैं, आपका अपना है, PG है, ऑफिस प्रोवाइड है, जो भी हो आपका, इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। रेफरेंसेस, फिर उसमें आपके बाद रेफरेंसेस मांगेगा, इसमें आपका फादर मदर स्पाउस, इसमें से किसी का नंबर मांगेगा वो आप डालेंगे, फ़ोन नंबर आप इसमें डालेंगे। कंटिन्यू किया, ये देखिए एप्लीकेशन सबमिटेड फॉर अप्रूवल, इस पर क्लिक करेंगे रिफ्रेश पर। इसके बाद आपकी जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप रिफ्रेश बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी प्रोफाइल को फेच करेगा। उसके बाद आपका जो है, जब आप रिफ्रेश करेंगे आपको एक कॉन्ग्रेचुलेसन आएगा। इसके बाद आप गेट इट टैब टू कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। गेट इन टू कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका ये देखिए लिख कर आ रहा है अप्लाई नाउ गेट नाउ, तो इसमें आपको गेट नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो फिर दोबारा से वही प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी। गेट नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका ये क्रेडिट लिमिट इंक्रीज्ड, योर क्रेडिट लिमिट 80,000 आएगा। इसमें जो मार्क का निशान जहाँ पर आ रहा है ब्रैकेट, इस पर मार्क का निशान टिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपका ये दोबारा से आएगा गेट नाउ 80,000, इस पर क्लिक करेंगे दोबारा से। उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है रीअसेसिंग करेगा। उसके बाद आपका ये देखिए लोन अमाउंट दिया आ रहा है इसमें 80,000 रुपये, इसमें आपका डिटेल्स आ रहा है कितना EMI है और कितने मंथ के लिए आपको जो है ये भरना पड़ेगा। इसमें आप जो नीचे लिख कर आ रहा है सिलेक्ट टेन्योर इन मंथ, इसमें से आप अपना जो टेन्योर टाइम है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, 7, 8, 9 महीने, 6 महीने या फिर 12 महीने, ये कर सकते हैं आप। आपका ये देखो 7,642 रुपये EMI आ रहा है, ये 12 महीने में आपको भरना है, हर महीने 7,642 रुपये, ठीक है। इसके बाद आप नीचे व्यू समरी एंड चार्ज लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपका देखिए, इसमें आपका जो भी चार्जेस वगैरह हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग फ़ीस, GST, लोन डॉक्यूमेंट्स फ़ीस, जो भी है आपका, ये पूरा इसमें डिटेल्स दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको जो है 12 मंथ के लिए 75,245 रुपये लोन मिल रहा है, बाकी इसका जो है चार्ज कट जाता है, ठीक है।
इसमें आपका सारा दिया हुआ है, जो भी चार्ज फीस कटता है। उसके बाद आप व्यू रिपेमेंट शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका टाइम होगा ईएमआई भरने का, जिस जिस टाइम पर आपको भरना होगा, वो आपका सारा दिया है, कितना भरना होगा, ठीक है। ये आपका पूरा इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपका जो भी किस पर्पज़ के लिए आप लोन चाहिए, वो पर्पज़ यहाँ पर जो है ओके करके इसको टैप करके यहाँ पर उसको पर्पज़ सेलेक्ट करेंगे। एजुकेशन, शॉपिंग या फिर वैकेशन, हॉलीडे, मेडिकल, हाउस होल्ड, वेडिंग एक्सपेंसेस, जिसके लिए भी चाहिए आपको व्हीकल वगैरह के लिए सिलेक्ट करके और कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद आपका बैंक डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। इसमें आप नीचे देखिए लिख कर आ रहा है ऐड सेविंग्स बैंक अकाउंट, ठीक है। आपका इस पर क्लिक करेंगे, ऐड सेविंग्स बैंक अकाउंट, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है बैंक डिटेल्स मांगेगा। इसमें बैंक डिटेल्स जैसे कि आईएफएससी कोड, सबसे ऊपर आपका आईएफएससी कोड भरेंगे, उसके नीचे अकाउंट नंबर, और उसके नीचे एक बार दोबारा से अकाउंट नंबर भरेंगे कंफर्म करने के लिए, ठीक है। इसको भरने के बाद फिर आपका नीचे ये देखिए टिक करने के लिए आ रहा है ब्रैकेट, आपका जो टर्म एंड कंडीशन है उसको टिक करने के लिए आ रहा है, ठीक है। आईएफएससी गलत हो जाए तो यहाँ पर साइड से एडिट भी कर सकते हैं, इसको दोबारा से भर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अकाउंट नंबर डाल दिया, नीचे कंफर्म अकाउंट टिक करके बॉक्स को ऐड अकाउंट लिख कर आ रहा है नीचे, इस पर जो है क्लिक कर देंगे। ऐड अकाउंट पे, ऐड अकाउंट पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको एक रुपया ट्रांसफ़र करेगा। कंटिन्यू करेंगे, ये आपका बैंक अकाउंट आईएफएससी इसी पर सेंड करना है, सिलेक्ट हो गया है ये, ठीक है। ऐड सेविंग बैंक अकाउंट डिजिटल, उसके बाद दोबारा से आपका जो है आईडी साइन वगैरह जो है मैच करेगा। ये आपका देखिए आपका साइन लोन डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये आपका दोबारा से वेरीफाई करेगा। टिक करके कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे जो भी आपका डिटेल्स होगा देखकर। उसके बाद आपका ये जो तीन ब्रैकेट आ रहा है टर्म एंड कंडीशन, इन तीनों को टिक करेंगे। जब तीनों को टिक कर देंगे कंटिन्यू आएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जो आपने डाला होगा उस पर OTP आएगा। OTP डालेंगे आप, जो भी OTP आपका है, कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको दोबारा से अपनी सेल्फी लेनी होगी वेरिफिकेशन के लिए कि ड्रोन आप ही ले रहे हैं या कोई और आपकी जगह पे, ठीक है। तो सेल्फी आप लगाएंगे, इसमें बैकग्राउंड एकदम क्लियर, जो आपका फेस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सेल्फी ले लेंगे, सेल्फी लेने के बाद आपका जो है सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा सेल्फी, ठीक है। और इसमें देखो लिख कर दिखा, उसके बाद लिख कर दिखा रहा है योर लोन विल बी प्रोसेस्ड इन 1 आवर। हालांकि पहले भी आ जाता है, लेकिन ये मैक्सिमम टाइम दिया हुआ है 1 घंटे में आ जाएगा। तो ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।